वन रैंक वन पेंशन की मौजूदा नीति पर सुप्रीम कोर्ट का बयान, एससी ने नीति को ठहराया सही, कहा इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, खनन माफियाओं ने किया युवक पर जानलेवा हमला, युवक के पिता ने लगाया पुलिस पर शह देने का आरोप। इस्लाम को लेकर यूएन में पास हुआ पाकिस्तान का प्रस्ताव, भारत फ्रांस ने किया विरोध, कहा किसी धर्म विशेष के फोबिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करना ठीक नहीं। मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स की बस में हुई तोड़फोड़, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, बहरी को कॉन्ट्रैक्ट देने पर किया बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए लागू वन रैंक वन पेंशन की मौजूदा नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस नीति में कोई संवैधानिक कमी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नीति में 5 साल में पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है, इसलिए सरकार 1 जुलाई 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा करे। कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में बकाया राशि का भुगतान करने को कहा। दरअसल पूर्व सैनिकों की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस नीति से वन रैंक वन पेंशन का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, इसकी हर साल समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसमें 5 साल में समीक्षा का प्रावधान है, अलग अलग समय पर रिटायर हुए लोगों को अब भी अलग पेंशन मिल रही है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार यूं तो खूब विकास की बात करती है, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर विकास सड़कें अभी भी विकास की राह देख रही है, लेकिन विकास इस गांव में नदारद है। हम बात कर रहे हैं चमोली के दसौली ब्लॉक के रामतोली गांव, जहां पर पैराखाल पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों के हालात इतने बुरे हैं कि वाहन चालकों को अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। चमोली के दसौली ब्लॉक के गांव के पैराखाल की जो सड़क है, ये 2.5 किलोमीटर की दूर की सड़क है। ये सड़क इतनी ऊबड़ खाबड़ और ख़तरनाक है कि वाहन चालकों को अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। वही क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उन लोगों ने कई बार चमोली प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को मामले की सूचना दी, फिर भी पैराखाल क्षेत्र में सरतौली मोटर मार्ग की हालत खराब है। वही आपको बता दें कि लासी ग्राम प्रधान नयन सिंह का कहना है कि क्षेत्र में काफी समस्या है, पैराखाल क्षेत्र में जो स्थिति है वो काफी खराब है। अपने आप को सड़क पुत्र बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का जाल बिछा दिया है। मैं उनको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि गोपेश्वर मुख्यालय के सामने जो हमारा फर्स्ट पार्ट वाला एरिया है, चमोली से लेकर भतिंगला तक जो 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें से 9 किलोमीटर अगर रोड छोड़ दिया जाए तो सारी रोड में जो है गुणवत्ता के आधार पर काम नहीं हुआ है, मानकों के आधार पर काम नहीं हुआ है, किसानों का कंपनसेशन नहीं मिला है, लेबरों की पेमेंट नहीं मिली है, जो पूछते हैं नाली हैं ब्रस्ट वाल हैं वो प्रॉपर काम नहीं किया गया है, और जो खाई पेरा जो हम सब के लिए फरसान फाट के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्पॉट है, यहाँ पर लगातार जब भी इससे पहले की सरकारों को पूछा गया तो उन्होंने कहा डीपीआर बन रही है, एस्टिमेट बन रहा है, लेकिन वो खाली जो है हमको एक लॉलीपॉप दिखाते रहे, लेकिन वहाँ पर अभी भी जो हमने सूचना प्राप्त करी है कि वहाँ पर किसी प्रकार के कोई डीपीआर नहीं बना है, कोई एस्टिमेट नहीं बना है। फरसान फाट का जो खाई पेरा का एरिया है, हम शासन प्रशासन से और जो अपना नवनियुक्त सरकार है उनसे मांग करेंगे कि यथाशीघ्र जो स्थानीय नागरिक है उनकी सुविधा के लिए खाई पेरा का ट्रीटमेंट किया जाना जरूरी है। वही पैराखाल क्षेत्र में सड़क का अलाइनमेंट भी ठीक है, इस क्षेत्र में जब गाड़ियां चलती हैं तो धूल लोगों के घरों तक पहुंचती है। प्रधान लासी नयन सिंह का कहना है कि कई बार हमने अनशन भी किया लेकिन अभी तक सड़क सुधार नहीं हो पाया। वही दूसरी ओर ग्रामीण राजदीप परसवाड़ा का कहना है कि उन्होंने विभाग और ठेकेदारों से कई बार इस संबंध में बात की, उनकी किसी ने न सुनी। सड़क का जो मुद्दा है वो आज से नहीं है, वो हमारा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हमारे इच्छे से चुने गए और हमारे पूरे फरसान फाट ने एक मत होकर इनको अपना समर्थन दिया
और 5 साल सत्ता में राज करने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र का कार्य किया है, जिस प्रकार क्षेत्र का जो मुद्दे थे, चाहे सड़क का मुद्दा सबसे बड़ा है हमारे क्षेत्र में, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। कई बार शिकायत करने के बाद भी हमारी समस्याओं को विधायक जी के द्वारा अनदेखा किया है और जिसका खामियाजा उनको निजी तौर पर आज भुगतना पड़ा है। और जो भी हमारे और भी कोई समस्याएं थी, लेकिन सड़क का मुद्दा हमारा प्राथमिकता में एक था। हमारे क्षेत्र के लोग सब लोग विधायक जी से बोलते रहे, हम सब लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, भाई नयन भाई सिंह के प्रतिनिधि के प्रतिनिधित्व में हम अपनी समस्याओं को रखते रहे, पर हमारा किसी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और हम लोगों ने इस सड़क बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, हमारे क्षेत्र के लोगों ने, जितने भी पूर्व प्रधान लोग थे, पूर्व क्षेत्र पंचायत थे, वर्तमान में हैं, पूरे गांव के सरपंच लोग हैं, सब लोगों ने अपना सहयोग दिया है। ऐसा है उस दिशा में आज देख रहे हैं आप, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ पड़े हुए, खाल पीले का मुद्दा है, PWD भी आपको तो क्या कहना है, ये तो हमारा और आपका अपना विभाग है, हमारे उत्तराखंड राज्य का अपना विभाग है। PMGSY प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े सपने तो जरूर दिखाते हैं, हम उनके साथ भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम विरोधी हैं, लेकिन आप जमीन पर देखें किस प्रकार का कार्य हो रहा है PMGSY में। वही अभी भी सड़क के सुधारीकरण की गुहार सरकार और लोक निर्माण विभाग से लगा रहे हैं। पैराकॉल क्षेत्र में सड़क की स्थिति को देखते हुए यहाँ के लोगों ने कहा कि बारिश में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने गुहार लगाई है कि क्षेत्र में सड़क मार्ग को ठीक किया जाए। वही दूसरी ओर जब लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर चमोली से इस बारे में स्थिति में जानने की कोशिश की गई तो AE ज्ञानेन्द्र चौधरी ने कहा कि उन्होंने तो अभी ज्वाइन किया है और मामले की जानकारी ली, इस पर संज्ञान जरूर लेंगे। मैं चाहूंगा कि इस रोड के बारे में, ये रोड मतलब कई सालों से रिपेयर नहीं हुई है, ये पिछले एक साल में रिपेयर हो रही है, तो फिर ये रोड की हालात वैसी बन जा रही है, तो गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे कि अच्छे से पहले के तो काम कराए। फिर उसके बाद ये है कि जब हम यहाँ से चमोली जाते हैं, 10 किलोमीटर का दायरा है यहाँ से, तो हमारे पूरे जो ये रोड जोड़ती है पूरे लासी मजोठी नौगो परसौट पहुँच से, तो यहाँ पे ये वो होता है, जान में जोखिम डाल के जाना पड़ता है हमारे यहाँ के लोगों को बाजार में। कभी तो ऐसे है कि बरसात के टाइम पे तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, रोड ब्लॉक हो जाती है, फिर ये रोड में गड्ढे हो जाते हैं, तो लोगों को फिर रंगतोली है वहाँ पे, एक वहाँ पे रुकना पड़ता है, फिर वहाँ से फिर पैदल जाना पड़ता है गाँव में, फिर यहाँ से और दूरी तय करनी पड़ती है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को यहाँ पे। मैं अभी इस क्षेत्र में नया आया हूँ, इलेक्शन के बीच में जो ट्रांसफ़र हुआ उसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई, इसे इसका चार्ज मिला है, तो उसके बाद मैं संज्ञान लूँगा जब आपने बताया, अभी मेरी जानकारी नहीं ज़्यादा है नहीं। अब इलेक्शन ख़त्म हुआ, इससे फ्री हुआ तो कार्य पर पूरा विचार किया जाएगा, जो भी प्रगति है सभी। पैराखाल के अलावा कई ऐसे इलाके भी हैं जहां तक विकास के बयार नहीं पहुंच पाई है। वही चमोली से सरतौली मोटर मार्ग पैराखाल में सड़क की स्थिति कब सुधरती है ये देखने वाली बात होगी। ग्रामीण अभी भी उम्मीद लिए जी रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद शायद जल्द ही स्थिति सुधर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो चमोली के दसौली ब्लॉक के रंगतोली गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पैराखाल पर PWD की सड़क के हालात इतने बुरे हैं कि अगर वहां से वाहन गुजरता है तो ये कहीं ना कहीं तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये वाहन सही तरीके से गुजर जाएगा, कोई अप्रिय घटना तो नहीं होगी। जो वाहन चलाने वाले चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, वो लगातार डरे रहते हैं। और यहाँ से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले मैं उनका रुख करूंगी, उसके बाद तमाम और भी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे। महेंद्र भट्ट साहब जी, नमस्कार। नमस्कार। रंगतोली गांव दसौली ब्लॉक पैराखाल पर PWD की सड़क के हालात बदतर हैं, क्यों? 5 साल मिले थे ऐसा, उस सड़क में फ्लैट जोन होने का दिक्कतें थी, 2 बार उनके सर्वे का है, 2 घर में सर्वे का दिक्कतें आई। और मैं पूरे क्षेत्र की बताता हूँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड फेज में मैंने सड़क को दे रखा है और उसके DPR शासन को भारत सरकार गई हुई है। अभी मैं सुन रहा था कि एक व्यक्ति बोल रहे थे DPR नहीं गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के माध्यम से उन्होंने DPR भेजी हुई है, वो बाकी पूरी रोड से एक स्थान, एक ही स्थान ऐसा जहाँ फ्लैट जोन कारण सड़क 2 बार क्षति हुई है, उसको हमने पहले बजट भी दिया था वो भी, लेकिन रोड कभी बंद नहीं हुई, गाड़ियां हमेशा उस रोड पर चली है। तो कमी कहाँ रह गई भट साहब, कमी कहाँ है? मैं बता रहा हूँ ऐसा है, आप जाते हैं जहाँ भी फ्लैट जोन आता है वहाँ भूगर को सर्वे करानी पड़ती है, भूगर सर्वे के अलावा पहले विषय था कि उसका अलाइनमेंट चेंज किया जाए, अलाइनमेंट चेंज की स्थिति नहीं बन पा रही थी, फिर किसी तरीके से हमने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के तहत हम उसके ऊपर जो
फ्लैट जो आ रहा है उसकी पानी के अंदर रुका जाए, ना किस तरीके से पानी को दूसरे स्थान से निकाले, सारे साहब की पूरी टीका पी एम जी उसमें थर्ड बीच में सड़क की बन गई है और बहुत जल्दी उस सड़क को भी उसमें सुधार आपको दिखाई देगा। केवल 1.5 किलोमीटर का स्पेस है, 1.5 किलोमीटर का उसमें कमी होगा उस स्थान में, बाकी पूरी सड़क यात्रा वाहन के लिए खुला है और आगे की रोड कच्ची थी, हमने उसको पूरा आखिरी गाँव तक हमने कराया है। अच्छा, हमें और इंतजार करना होगा, अभी जो सड़कें हैं वो पूरी दुरुस्त देखने के लिए। प्रधानमंत्री फेज साल में सड़क जा चुकी है और मुझे लगता है इसी महावीर जी तक पहुंच चुकी है, बहुत जल्द गंगाती आएगी और उसको ठीक है को भी बहुत अच्छे। ठीक है ठीक है, महेंद्र साहब आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी पुष्कर सिंह ने भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर देखिए, अगर चमोली की हम बात करें तो चमोली के कई गाँव ऐसे है जहाँ के हालात बस से बदतर है, और रांगतौली गांव की हम बात करें तो अभी पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं हर घर तक सड़क पहुंचाने के लिए, लेकिन जो मेन रास्ता है वही खराब है, तो घर तक कैसे सड़क जाएगी? पुष्कर बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये चमोली से रांगतौली वाला जो एरिया है, जो 2.5 किलोमीटर का जो ये पैच है यहाँ पे, ये बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे, क्योंकि कल जब हम यहाँ पे खबर के लिए गए थे, क्योंकि गांव वाले ने हमको बुलाया था कि भाई साहब आप आइए और हमारे गांव की जरा दुर्दशा देखिए, क्योंकि विधायक जी ने ठीक कहा कि विधायक जी के कार्यकाल में बहुत सारे इलाकों में जो है सड़कें गई हैं, जोशीमठ की बात करूँ तो जोशीमठ में कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे रोड गए, लेकिन ये 2.5 किलोमीटर का बैंड ऐसा बैंड यहाँ पे PWD के द्वारा काटा गया, या जो पिछली सरकार हो चाहे जो वर्तमान सरकार में आप तो बनेगी, लेकिन गांव वालों को केवल यही कहना है कि ये जो 2.5 किलोमीटर का पैच है इसको जो सही करवा दें। और यदि हम कल यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि जो AE है PWD विभाग के, उनका सीधा सीधा ये कहना है कि हम अभी आए हैं और हमने अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को, क्योंकि कनेक्टिविटी के तौर पे आपने देखा होगा कि सड़कों का जाल यहाँ पे बिछाया गया है, लेकिन जिस तरह से आए दिन धूल धक्कड़, सबसे बड़ी दिक्कत जो है काजल इसमें जो होती है बरसातों के टाइम होती है, क्योंकि लोगों को यहाँ से 2-2 किलोमीटर। बिल्कुल पुष्कर, देखिए भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भट्ट साहब सुन रहे हैं आप हमारे सहयोगी क्या कह रहे हैं, वहाँ की पूरी दशा बता रहे हैं, क्या व्यथा है वो पूरी क्लियर बता रहे हैं, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर हमेशा मौजूद रहते हैं, हर गाँव पहुँचते हैं। मैं भी वहाँ गया हूँ, मैंने स्थान देखा है, इसलिए 2 बार उसके भूगर्भ सर्वे उसकी कराए गए हैं और भूगर्भ सर्वे होने के बाद अब उसकी डीपीआर गई है PMJ, मैं जानता हूँ PWD के माध्यम से मेरी संभावना नहीं थी, नहीं होगा तो नहीं हो सकती थी, तो बहुत ज्यादा फ्लैट जोन है वो, और जब उस स्थान के लिए आप 2.5 किलोमीटर बता रहे हैं, लेकिन मेरी जानता हूँ 1.5 किलोमीटर का क्षेत्र था, उसके लिए हमने पूरी तरह उसकी प्रक्रिया जैसे फर्श जैसे भेज दिया है और उसके लिए गंगा से भारत सरकार की गंगा से प्राप्त होगी और गंगा के माध्यम सांसदों को ठीक कराएंगे। ये भी कहते हैं कि सड़क जिस कार्यकाल में बनेगी तब मैं विधायक नहीं था, लेकिन ये सड़क बहुत जल्द इसका लाइट दिखाता उस टाइम पर इसकी जिस जोन को ठीक प्रकार से चिन्हित नहीं किया गया, न जाने बिना भूगर्भ सर्वे की कहते उस सड़क काटी गई है। ये भी सही है कि देवी आपदा उत्तराखंड के लिए एक अभिशाप के रूप में रहती है, लेकिन ये 5 साल तो आपको मिले थे भट्ट साहब, 5 साल आपको मिले थे और उम्मीद थी। देखिए भट्ट साहब एक मिनट, सड़क की जो स्थिति जितनी खराब थी उसमें गुणा तो सुधार मैंने कराया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी पहल की। भट्ट साहब एक मिनट, राजेंद्र भंडारी साहब है, उनसे हम लगातार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आप जिम्मा उनका है, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, लेकिन 5 साल का ब्यौरा तो आप देंगे। सरकार मेरी है, मैं नहीं कर रहा है। 5 साल का ब्यौरा तो आपसे ही मांगूंगी मैं। क्षेत्र की जनता को हार जीत राजनीति जीवन में लगा पक्ष है, लेकिन अपने क्षेत्र के गांव को सड़क से जोड़ने के लिए बहुत अच्छी बात है, मैं करूंगा। मैं जानता हूँ इससे पहले 10 साल रहे भाई, वो मंत्री भी सब क्यों नहीं किया उन्होंने। जी जी है ना, इसलिए क्या है कि वे ठीक है कि मैंने उसको पहल की है, पहल क्योंकि उस सरकार पर भूगर्भ सर्वे हमारे हो गया था, जिला भूगर्भ सर्वे को बजट आने की स्थिति में नहीं था और भूगर्भ सर्वे के रंग में थोड़ा उसका अलाइनमेंट हमने थोड़ा उसको संशोधित किया है और उसकी डीपीआर थर्ड फेज में भेज दी गई है। कोई भी पत्रकार मीडिया जगत का व्यक्ति पूरी जानकारी दे सकता है, भारत सरकार को सेंशन आता है, बीच का तो पूछा ना होगा, लेकिन ये भी बता रहा हूँ उससे आगे की पूरी जो कच्ची रोड थी वो हमने पूरा सामने चुप किया शुरू से भी वहां तक रोड को। ठीक है भट्ट साहब, आप बने रहिए मेरे साथ, जाइएगा नहीं कहीं, क्योंकि अभी इस पर और हम बात करेंगे। अब पुष्कर आपने सुना, देखिए भट्ट साहब कह रहे हैं कि भले ही मैं सत्ता में रहूं ना रहूं, मेरे पास यहां पर विधायक की गद्दी रहे ना रहे, लेकिन मैं अपने क्षेत्र का विकास करवाता रहूंगा और आगे सारी फाइलें जो पहुंचा दी गई हैं, और उनका कहना है कि बस कुछ महीनों में जो काम है कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल काजल, आपने सही पूछा कि भट्टी ने जो है जो कार्यकाल, इनके कार्यकाल का जो डीपीआर होती है, ये 3 करोड़ से ऊपर की डीपीआर जो है 2.5 किलोमीटर की जारी की है, शासन को जारी की है। ये सराहनीय काम उनका है कि उनके कार्यकाल में जो है यहाँ पे गई है। लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं काजल जी, जिस तरह से विभाग की उदासीनता मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद का जो आगे का जो रोड है उस वहां से जो, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत पुष्कर, एक मिनट राजेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीडब्ल्यूडी के सदस्य हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अभी बट साहब कह रहे थे कि पीडब्ल्यूडी की टीम यहां पर पहुंच गई है और उनसे लगातार ये कोशिश है कि अब जो है हालात इतने बुरे नहीं रहेंगे। राजेंद्र जी आवाज आ रही है कि मेरी? तो ये देखिए आप सुन सकते हैं कि हमने उन्हें बकायदा फोन मिलाया था लेकिन उन्होंने फोन काट दिया है, यानी कि अभी कुछ भी बोलने से जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्कर आप भी सुन रहे होंगे, और भट्ट साहब कहाँ है, भट्ट साहब भी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी से हमने कोर्सर को पीएम के समय दे दिया है, इसलिए अगर पीएम के अधिकारी से आप बात करेंगे तो वहाँ से ठीक रिपोर्ट आपको मिलेगी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के कार्य प्रणाली पे जो प्रश्न खड़े हुए तो इस सड़क को मैंने शुरू से लेकर वहाँ तक पीएम के थर्ड किस्म में डाल दिया। आप ये बता दीजिए भट्ट साहब, ये बता दीजिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आप ये बता दीजिए कि कितने महीने और लग जाएंगे, ये जो 2.5 किलोमीटर हमारे सहयोगी बता रहे हैं, आप 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं, बता दीजिए मुझे। अभी सुनिए, मैं 2.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर विषय आज, क्योंकि मैं उसको बहुत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीच में सारा विषय उसकी डीपीआर बनी है, भूगर्भ सर्वे के माध्यम से गया है, स्लाइड जोन जो है वो 1.5 किलोमीटर का ही। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए मुझे कितने महीने और लग जाएंगे, फिर मैं मान जाऊंगी कि आपने बखूबी बहुत अच्छा काम किया है। चला गया डीपीआर, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, भारत सरकार से पैसा आता है तो विलंब होने की गुंजाइश रहती नहीं है। ठीक है, मार्च के तुरंत बाद की बात ही है ना पैसा। ठीक है, तो आप 2-3 महीने लग जाएंगे मतलब? हाँ, मुझे लगता है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बेहतर काम किया है जैसे कि आपने बताया, उम्मीद आपसे ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, आप कह रहे हैं कि मैं भले ही सत्ता में रहूं ना रहूं लेकिन हम लगातार अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। पुष्कर यहाँ पर महेंद्र भट्ट जो कि पूर्व विधायक हैं कह रहे हैं कि हमने काम किया लेकिन अब जो पूरा बजट आएगा उसके बाद फिर जो भी थोड़ी बहुत सड़क, वो तो कह रहे हैं 1.5 किलोमीटर, आप बता रहे हैं 2.5 किलोमीटर, हकीकत क्या है? क्या विधायक जी सही कह रहे थे, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर बने रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 2.5 किलोमीटर का पैच है ये, 2.5 किलोमीटर के लिए जो 3 करोड़ से ऊपर का रुपए पैसे यहाँ पे सैंक्शन हो रखा है, लेकिन चुनाव के कारण, आचार संहिता के कारण इस पर काम नहीं हो पाया है। लेकिन अब जाके कल हम जब पीडब्ल्यूडी विभाग में हम गए थे, यहाँ पे हमने वार्ता की और हमने यहाँ पे जानने की कोशिश करी कि कितना पैसा इसके लिए आया, तो उन्होंने 3 करोड़ के रुपए के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है कि डीपीआर जो है बन के गया, 2.5 किलोमीटर का पैच है, क्योंकि आपने देखा होगा विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक चोटी पर हम खड़े थे और दूसरी चोटी नीचे तक लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये सड़क है, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी विभाग एक ऐसा विभाग है काजल की, ये आप देख रहे हैं जो ड्रम है ये कोलतार के ड्रम यहाँ पे लावारिस पड़े हुए हैं, इनसे भी हमने जाने की कोशिश की लेकिन विधायक, चाहे वो ठेकेदार की उदासीनता हो या विभाग की उदासीनता, यहाँ पे हमको देखने को मिली। हाँ, हालांकि जो नासिक के जो प्रधान है इनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, इनके विजुअल बाइट हमने आपको भेजे थे, आपने चलाए भी है, ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। लेकिन भट्ट जी की मैं एक बात बता दूं, जो महेंद्र भट्ट विधायक जी थे ये जब यहाँ पे इलेक्शन लड़े थे, अभी का जो इलेक्शन है तो इसी क्षेत्र से हारे थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो काम, सबसे कम वोट इनको यहीं से पड़ा था और राजेंद्र भंडारी का जीतना यहीं से तय हुआ था। काजोल का कहीं ना कहीं लगातार काम तो किया है लेकिन धरातल पे आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे स्कीम, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे बरसात आने वाली है और बरसात के बाद जो है लगातार जो काम कर रहे हैं, या हमने इसको कह सकते हैं कि भट्ट जी ने काम किया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जब हम जाते हैं तो हमको हकीकत देखने को मिलता है कि किस तरह से लोग जो है अपनी आस हमसे लगाते हैं कि जनता तक, जनता की आवाज जो है आप जो है मंत्रियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। ठीक है पुष्कर, आपका भी बहुत शुक्रिया और लगातार इस मुहिम को हम चलाते रहेंगे, जो भी सड़कें खस्ता हाल में है, जहां जहां विकास नहीं पहुंचा है वहां वहां की तस्वीरें लगातार हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, धरातल पर मौजूद है, जैसे कि अभी पुष्कर भी हमारे साथ बने हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो हर एक गाँव में जा रहे हैं, क्या क्या समस्या है, इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है, कितना काम बाकी है, कितना होना है, अब जो नए विधायक हैं वो आगे किस तरह से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, तमाम चीजें जो हैं वो हम लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है हर एक तस्वीर
आप तक पहुंचाना, हर एक समस्या से आपको रूबरू कराना ताकि उस समस्या का निवारण जल्द से जल्द हो सके। चलिए आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। अमेठी कोतवाली क्षेत्र में पूर्व प्रधान की खाली सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर धारदार हथियार से लैस होकर आए लगभग 2 दर्जन लोगों ने पीड़ित परिवार पर हमला बोल दिया। इन दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर महिला पुरुष और बच्चों पर लाठी डंडे धारदार हथियार से हमला कर दिया है। ऐसा में एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े हैं। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तभी दबंग धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी भेजा, जहां पर पहुंचते ही गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान की मौत हो गई, जबकि अन्य को जिला अस्पताल के रेफर किया गया, जहां पर एक ही परिवार के अन्य 3 और लोगों की मौत हो गई है, यानी कि 4 मौतें इस पूरे घटनाक्रम में हुई है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो अमेठी का ये पूरा मामला है, जहां पर दबंगों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। नहीं, ये देखिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये जो मृतक पक्ष और जो लोग मारने वाले हैं, ये दोनों पट्टीदार हैं, एक ही जाति के लोग हैं, और ये आबादी की जमीन को लेकर के विवाद था, और उस विवाद में पुलिस ने उन लोगों को रोक भी दिया था, लेकिन आज एक पक्ष द्वारा वहाँ पर बालू गिराया गया और इस पर तात्कालिक विवाद हुआ और लाठी डंडों की चोट आई है लोगों को। तो 2 लोग तो हॉस्पिटल में डेथ हुई, फिर एक आदमी की और हुई इलाज के दौरान, और फिर यह भी पता चला है कि एक व्यक्ति की और मृत्यु हो गई, और इसमें जो मुलजिम है उसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जो लोग घायल हैं उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, और मौके पर जिलाधिकारी और प्रभारी पुलिस अधीक्षक मौजूद है। हमारे घर के बगल थोड़ी जगह थी, और वहाँ पे बड़े भैया रहते थे, हाँ, और जो जिन बगल वाले की जगह थी वो भी वहाँ पे बना रहे थे। क्या नाम है उनका बगल वाले का? बिकेश दुलारे जी। तो वही जगह थी, उनकी भी जगह थी, हमारी भी जगह थी, अपनी जगह से थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहे थे वो, तो हम लोगों ने उन्हें रोका, फिर थाना पुलिस हुआ, समझौता हुआ, उसके बाद फिर वो लोग मान गए। अब रात में काम शुरू करते हैं, बस देख रेख के लिए गए थे घर वाले, बस इतने में मारने लगे। कौन कौन था मारने में? मारने में बिकेश थे और ब्रजेश, नितिन तिवारी थे। आपके परिवार में कितने लोग घायल हुए? हमारे परिवार में पूरा परिवार ही घायल, कोई नहीं बचा। कितने लोग घायल? 5 लोग, 2 छोटे बच्चे भी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विक्रम भदौरिया मेरे साथ अमेठी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, ये पूरा मामला किस तरह से है, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या वजह है, क्यों दबंगों ने पीड़ित परिवार पर हमला किया और इसमें 4 लोगों की जान चली गई है, मासूम बच्चे भी बताए जा रहे हैं? जी देखिए, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमेठी थाना क्षेत्र के राजापुर गुंगवाच गांव का है, जहां पर 2 परिवारों में कई वर्षों से लगातार जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर एक पक्ष ने देर शाम दर्जनों लोगों के साथ दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला कर दिया, और जो जहां मिला वहां वही मार गिराया, मारपीट कर सबको मरलासन कर दबंग लोग फरार हो गए। वहीं चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर गंभीर रूप से घायल लोगों को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल सूचना मिलते ही कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और गांव में कंप्लेंट कर रही है। वहीं देर रात आईजी रेंज अयोध्या जेपी सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया, और थाना प्रभारी विनोद कुमार व हल्का दरोगा संजय सिंह और पीठ के सिपाही स्वतंत्र उपाध्याय को निलंबित कर दिया है, और पुलिस के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई है। ठीक है विक्रम, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अमेठी का ये पूरा मामला था, जहां पर पूर्व प्रधान के घर पर दबंगों ने हमला बोल दिया, धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें महिलाएं बच्चे कुछ बुजुर्ग भी घायल हुए थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं फरुखाबाद के कोतवाली कायमगंज क्षेत्र में 2 दिन पहले खनन माफिया सूचना पुलिस को देने युवक को भारी पड़ गया, जहाँ पर खनन माफियाओं ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि युवक बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत के संबंधी का बेटा है। युवक ने खनन माफियाओं पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। वहीं युवक के पिता और बीजेपी सांसद के संबंधी ने
पुलिस पर खनन माफियाओं को शह देने का आरोप भी लगाया। जैसा ये हुआ था कि जेसीबी ये लोग चला रहे थे हमारे गांव में, खनन कर रहे थे। कहाँ? दो नंबर का उलियापुर ग्राम इजौर, उलियापुर ग्राम इजौर में। अच्छा, ये घटना कब की है? दो नंबर, परसों 13 तारीख की घटना है। ये दो नंबर में खनन कर रहे थे तो हम लोगों ने पुलिस को अवगत कराया। हाँ। और जेसीबी पकड़ गई, इनकी ट्रैक्टर भी पकड़ गए। अच्छा, तो उसके बाद में उन्होंने रंजित के तहत कहा कि हम तुम्हें गोली मार देंगे और तुम्हें ये करेंगे, तुम्हारे पास वो करेंगे। तो हम लोगों ने कुछ की समझा नहीं और इन्होंने आज मेरे भाई को पकड़ के घेर के मारा। कहाँ, कौन सी जगह? रेलवे रोड पे, रेलवे रोड पे ब्लॉक के सामने। हाँ, जिसमें रानू यादव जो रजिस्टर नंबर 8 पे उसका है, लक्ष्मी भाई साहब के घर में उसने डकैती भी डाली थी। टिंटू यादव अलादासपुर का है, वो भी बहुत बड़ा गुंडा है। ये घटना जो मनोज रेनू, मनोज के भतीजा और कई लोग मिलके खनन कर रहे थे, लदैया से थोड़े पावर हाउस से आगे मेरे गांव के लिए उलियापुर के लिए रोड गया, उसके नाले के पास। अच्छा, इसका वीडियो भी वायरल हुआ 13 तारीख में। हाँ, 13 तारीख। तो ये जेसीबी चला के और ट्रैक्टर भगा ले गए, काफ़ी ट्रैक्टर थे। हाँ। खनन कर गए तो हमारे माता जी का वार्षिक प्रोग्राम था, हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे अपने टाइम में। तो देखा जेसीबी चल रही, तो टोका क्यों भाई, यहाँ बंजर से मिट्टी उठा रहे आप, खेत हमारे गांव के। हाँ। इतने पे विरोध करने लगे वो, तो फिर पुलिस को फोन किया। हाँ। तो इस पर बोले उठने दो यार, इन्हें बताया कि दसियों ट्रैक्टर। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।